नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने ये बताया है कि इस बार प्रत्याशियों को, वोटरों को और साथ ही साथ चुनाव के जितने भी अधिकारी रहेंगे, उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। चुनाव को लेकर जो भी प्रक्रिया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो तेज़ हो गई है, तैयारियां शुरू हो गई है। हर साल ईवीएम मशीन पर लगातार सवाल उठते आए हैं। जब भी चुनाव होते हैं ईवीएम मशीन को लेकर काफ़ी बातें उठती है, लेकिन इस बार लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के आम चुनाव को लेकर प्रथम चरण की ईवीएम जाँच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन सभी जिलों में जून के अंतिम सप्ताह में मंगा ली गई थी। इसके बाद आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी को सभी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू करने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया के तहत करीब 1.5 महीने से सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जाँच की गई है। निर्वाचन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया अब सभी जिलों में FLC की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन ईवीएम में थोड़ी बहुत तकनीकी परेशानी दिखाई दी, उसे अलग कर ईवीएम बनाने वाली कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा ठीक कर दिया गया है। जांच में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम की जांच के दौरान सभी जिलों में मान्यता प्राप्त प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई। साथ ही सभी जिलों में कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया गया। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार Model 3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ईवीएम पूर्व के मॉडल से काफ़ी उन्नत है और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है। बाहरी हस्तक्षेप पर काम करना बंद कर देगा यह ईवीएम। इस मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम है। यदि बाहर से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट लगाई जाएगी तो इसके डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होंगे और सिस्टम काम करना बंद कर देगा। M3 ईवीएम में 24 बैलेट यूनिटें जोड़ी जा सकती है। इससे पूर्व Type 2 ईवीएम में सिर्फ 64 उम्मीदवारों को ही लेने की क्षमता थी। आपको बता दें कि बिहार में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2019 ईवीएम के Model 2 से कराए गए थे। एक तो इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है और दूसरा इसमें तकनीकी गड़बड़ी, जल्दी ठीक होना बहुत मुश्किल होता था। तकनीकी खराबी जो जांच के बाद ही दुरुस्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त Model 2 ईवीएम में बैलेट यूनिट भी कम संख्या में जोड़े जा सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य में कुल जो मतदान केंद्र हैं वो 1,06,000 हैं और ईवीएम अभी बिहार में जो लाई गई है उनकी जांच हुई है बैलेट यूनिट्स पर 1,85,000, कंट्रोल यूनिट 1,80,000 और वीवीपैट मशीन 1,49,000। तो इस बार चुनाव आयोग पहले से ही चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। ईवीएम की जो मशीन है वो Type 3 ईवीएम इस बार बिहार के चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा, जो ईवीएम Type 2 से काफ़ी ज़्यादा उन्नत और काफ़ी टेक्नोलॉजी भरा होगा। जो बाहर से जो हस्तक्षेप होने की संभावना रहती है वो ईवीएम Type 3 मशीन में नहीं हो पाएगी। अब देखना होगा कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं और इस ईवीएम का इस्तेमाल होता है तब क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।